गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश क्लास। चिल्ड्रेन, टुडे आई टीच यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर टू, अ कंट्री चाइल्डहुड। चिल्ड्रेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस चैप्टर दैट फ्रीडम फाइटर नेल्सन मंडेला हुज चाइल्डहुड स्टोरी इज एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन। यूजुअली द बॉयज प्लेड अमंग देमसेल्व, बट द We sometimes allowed our sister to join us. अक्सर लड़के जो थे वो अक्सर खेलते थे, लेकिन कभी कभी लड़कियों को भी, उनकी बहनों को भी उनके साथ खेलने का परमिशन मिल जाता था। Boys and girls would play games like nuddies, hide and seek and ice squash, touch and turn. अक्सर boys और girls एक प्रकार का गेम खेलते थे, नडिया जिसको कि हाइड एंड सीक की तरह खेला जाता है, एंड आइस को एक गेम होता है टच, एंड इसको टच करके रन किया जाता है एक दूसरे को। एक तरह का गेम ये बॉयज और गर्ल्स खेलते थे एक साथ। बट द गेम आई मोस्ट इंजॉयड प्लेइंग विद द गर्ल्स वॉज व्हाट वी कॉल खेता, और चूज द वन यू लाइक। लेकिन जो गेम मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता था खेलने में गर्ल्स के साथ वो था खेता, जिसमें कोई किसी एक को चूज़ करना होता था अपनी पसंद से। दिस वॉज नॉट सो मच एन ऑर्गेनाइज गेम, यह पहले से कोई ऑर्गेनाइज गेम नहीं था, बट स्पर ऑफ द मोमेंट स्पोर्ट्स दैट टू प्लेस व्हेन वी एक्सकॉर्टेड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हु आवर ओन एज एंड डिमांडेड दैट ईच सेलेक्ट द बॉयज शी लव्ड। यह एक ऐसा कोई गेम नहीं था जो पहले से ऑर्गेनाइज हो, बल्कि ये गेम तुरंत ऑर्गेनाइज किया जाता था। एंड टू प्लेस व्हेन वी रिक्वेस्टेड ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जब कोई ग्रुप की लड़कियां होती थी और ओन अपने एज की, एंड डिमांड करते थे दैट सेलेक्ट कोई किसी लड़के को सेलेक्ट करो और जिसे तुम लव करते हो। आवर रूल्स डिटेक्टेड दैट द गर्ल चॉइस एंड बी रिस्पेक्टेड एंड वन शी हैड चूजन हर फेवरेट। और हमारा रूल था कि हम उसके चॉइस को रेस्पेक्ट करते और को तय करते थे, और वंशी जिसको भी अपने फेवरेट को चूज़ करती थी। शी वॉज फ्री टू कंटिन्यू ऑन अ जर्नी, और वो फ्री थी कि अपनी जर्नी उसके साथ कंटिन्यू करने के लिए, एस्कॉर्टेड बाय द लकी बॉय शी लव्ड। और वो फ्री थी उसके साथ जर्नी करे जो उसकी जो रक्षा करता था बाय द जो लकी बॉय होता था। बट द गर्ल्स वर निम्बल विटेड for clever than we doltish lad and would often confer among themselves and choose one boy. But वो गर्ल बहुत बुद्धिमान होती थी, जो कि आपस में कंसल्ट करती थी और फिर किसी बॉयज को चूज करती थी। Usually the plainest fellow and then tease them all the way. और अक्सर वो स्पर्श कर मतलब सरल साजो सीधा साथी होता था, तब उनको परेशान करता था ऑल द पूरे रास्ते भर, उनको घर तक जाते थे उनको परेशान किया जाता था। आई वुड रिटर्न टू माई मदर्स क्रैल, और फिर हम लोग मैं अपने माँ के हट में आ जाते थे, वेयर शी वॉज प्रिपेरिंग सपर, जहाँ वो एक प्रकार का सूप बना के तैयार हम लोग भी रखी होती थी। वेयर एज माई फादर वंस टोल्ड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक बैटल एंड हीरोइक एग्जॉस्टा वेरियस, माई मदर वुड इंटेंट अस विद द एग्जॉस्टा लीजन एंड फेवल दैट हैड कम डाउन। और हमारे फादर जो थे हम लोग को एग्जॉस्टा के हिस्टोरिक बैटल के बारे में और के वॉरियर के योद्धाओं के बारे में कहानी सुनाते थे, और मेरी माँ जो थी वो हम लोगों को मतलब किंवदंती यानी कि ऐसी वाली कहानी सुनाती थी, काल्पनिक कहानियाँ सुनाया करती थी। These tales stimulated my childish imagination and usually contained some moral lesson. अक्सर ये कहानियाँ जो हम लोग को और उत्तेजित करती थी, हमारे बचपन को उत्तेजित करती थी, हमारे कल्पना को, और अक्सर वो moral lesson देती थी। I recall one story my mother told us about a traveler who was approached by an old woman with a terrible contracts on her eyes. एक कहानी जो कि हम लोग बहुत प्रभावित की थी अबाउट एक ट्रैवलर के बारे में थी, जो कि एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसकी आंखों भयानक तरीके से मोतियाबिंद हुआ रहता है ऑन हर जो औरत की आंखों में। द वुमेन आस्क्ड द ट्रैवलर फॉर हेल्प,
वो औरत उस ट्रैवलर से कहती है कि वो उसकी मदद करे, एंड द मैन अवॉर्टेड डिजाइन, और उस आदमी जो होता है वो टाल जाता है, उसका उसकी बात को टाल जाता है. देन अनदर मैन केम अलॉन्ग एंड वॉज अप्रोच बाय द ओल्ड वुमेन. तब एक दूसरा आदमी आता है और उस औरत के पास जाता है, बूढ़ी औरत के पास. शी आस्क्ड हिम टू क्लियर हर आइज. वह कहती है कि उसकी आंखों को साफ कर दे. एंड इवन दो ही फाउंड द टास्क, लेकिन वो काम को पसंद नहीं करता है. ही डिड एज शी आस्क्ड, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसने किया कह रही थी. देन मिराक्लसली शी स्केल फेल फ्रॉम द ओल्ड वुमेन्स आई एंड शी बिकेम. जैसे ही वो जादू हुआ और वो बूढ़ी औरत की आंखों को जैसे साफ किया, वो बूढ़ी औरत एक सुंदर और ब्यूटीफुल लेडी बन गई. द मैन मैरिड हर, और उस आदमी ने उस और से शादी कर ली और दोनों बहुत धनी हो गए. इट इज़ अ सिंपल टी, है बहुत सिंपल कहानी थी, बट इट्स मैसेज इज एन एंडरिंग वन. लेकिन इसका जो मैसेज था हम लोग के दिमाग पर बहुत स्थायी प्रभाव डाला. वर्चू एंड जेनरसिटी विल बी रिवॉर्डेड इन विद दैट कैन नॉट नो, कि हमेशा किसी के जो गुण होते हैं, अगर किसी के भला करो उसका जरूर उसका इनाम मिलता है, उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है. लाइक ऑल एग्जोसा चिल्ड्रेन एक्वायर्ड नॉलेज मेनली थ्रू ऑब्जर्वेशन, जैसे कि सभी एग्जोसा बच्चे होते थे, हम लोग भी नॉलेज प्राप्त करते थे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, देख करके. वी वर मीन टू लर्न थ्रू इमिटेशन एंड इमुलेशन, नॉट ओन थ्रू क्वेश्चन. और हम लोग वी आर मीन लर्न, तो हम लोग भी किसी की देख से सीखते थे किसी की से, और जो कुछ हम लोग देखते थे उसको सीखते थे, नॉट तो क्वेश्चन के तरीके से नहीं करते थे, बल्कि देख के समझते थे और सीखते थे. When I first visited the homes of whites, I was often dumbfounded by the number of nature and questions that children ask their parents. और जब कभी मैं किसी होम वाइट के होम्स को विजिट करता था, तो मैं हक्का बक्का रह जाता था, और वहाँ से आने पर तरह तरह के क्वेश्चन करता था अपने पेरेंट्स से, जैसे सब बच्चे करते हैं. एंड देयर पेरेंट्स अनफेलिंग विलिंगनेस एंड आंसर देम, और उनके माँ बाप मतलब कि उनके हर तरह के क्वेश्चन का आंसर देते थे. इन माई हाउस होल्ड क्वेश्चन वर कॉन्सिडर्ड अ नॉनसेंस, लेकिन मेरे घर में क्वेश्चन करना और कंसीडर करना बेवकूफ़ी कही जाती थी. अडल्ट इम्पेयर्ड इन्फॉर्मेशन एज दे कंसीडर नेसेसरी, और उसको उतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती जितनी की उनको ज़रूरत होती थी. माय लाइफ एंड डेट ऑफ द मोस्ट एग्जोसा एट द टाइम वॉज शेप्ड बाय कस्टम, मेरा जीवन जैसे कि सभी एग्जोसा का जीवन होता है उस समय का, अब एक कस्टम में आ गया था, रिचुअल एंड टाबू, और थोड़ी सी पाबंदी लग गई थी. दिस वॉज द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ द अवर एक्साइटेंस, क्योंकि यह अल्फ़ा और ओमेगा का थोड़ा एक्साइटेंस का समय था गया था. एंड वेंट अनक्वेश्चन, और हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते थे. मैन फॉलोड द पाथ लेट ऑफ फॉर देम बाय देयर फादर, और जो लड़के होते थे अपने फादर के रास्ते पर चलते थे जैसे उनके पिता करते थे. वुमेन लेट द सेम लाइफ एज देयर मदर, और जो लड़कियाँ होती थी अपने माँ के रास्तों पर चलती थी जैसे माँ करती थी, हैड बिफोर देम, जो उनके सामने वही सब करना होता था विदाउट मी टू, और कुछ उनसे कहा नहीं जाता था. आई सून एजिमुलेटेड द एलोबरेट रूल्स द गवर्न द रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, और मैं समझ गया था कुछ विस्तृत जो रूल्स जो थे और गवर्न जो भी शासन था एक मैन और वुमेन के बीच में क्या रिलेशन था, उसको मैंने जान गया था. आई डिस्कवर्ड दैट अ मैन मे नॉट इंटर अ हाउस वेयर अ वुमेन हैज रिसेंटली गिव बर्थ, और मैं मुझे पता चल गया था एक आदमी को उसके कमरे में जो एक औरत के कमरे में तब तक नहीं जाया जब अगर किसी बेबी को गर्भ देती थी उसके रूम में नहीं जाना होता है. एंड दैट अ न्यूली मैरिड वुमेन वुड नॉट इंटर द क्राल ऑफ हर न्यू होम्स विदाउट एलोबरेट सेरेमनी, और किसी भी लेडी को अपने न्यू घर में तब तक नहीं जाती जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती थी और कोई सेरेमनी नहीं हो जाता था तब तक वो उस घर में नहीं जा सकती थी. आई ऑल्सो लर्न दैट निगलेटिंग वंस एंचेस्टर वुड ब्रिंग इल फॉर्चून, और मैं ये भी जान गया था कि अपने पूर्वजों की अगर यदि अपने पूर्वजों की मतलब निगलेक्ट करते अपने पूर्वजों को हम लोग आदर नहीं करते तो उसका हम लोग पर बहुत बुरा असर पड़ता था और फेलियर और वो जीवन में कभी सफल नहीं होता था. इफ़ यू डिसऑनर्ड योर
And just in some fashion, the only way to atone for that lapse were consult with the traditional healer or the tribal healer. यदि कोई गलती से किसी का अनादर कर देता था तो उसे कंसल्ट करना पड़ता था अपने पूर्वजों से, मतलब एक ट्रेडिशन था कि कुछ लोग उसे पूर्वजों से जाके कंसल्ट करते थे और कुछ क्षमा मांगना होता था अपने पूर्वजों से और कुछ परफॉर्म करना होता था. ऑल ऑफ दीज बिलीव सीम्ड परफेक्टली नेचुरल टू मी, और ये सब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था. आई केम अक्रॉस फ्यू वाइट्स एज अ बॉय एंड कुन्नू, और मैंने देखा कुछ बॉयज़ जो होते कुन्नू में आ चुके थे, वाइट बॉयज़ होते. द लोकल मजिस्ट्रेट ऑफकोर्स वॉज वाइट, जो हमारा लोकल मजिस्ट्रेट था वो भी वाइट था, एज वॉज द नियरेस्ट शॉपकीपर वो भी वाइट था. ओकेजनली विद ट्रैवलर, और अक्सर हम लोग देखते थे जो ट्रैवलर्स कभी भी होते थे या पुलिस मैन जो होते थे वो भी जो हमारे पास से गुजरते थे वो वाइट होते थे. दीज वाइट्स अपियर्ड एज ग्रैंड एज गॉड टू मी, और ये वाइट मेरे लिए उनको ऐसा मालूम पड़ता था इतने बड़े दिखाई देते थे क्योंकि वो बहुत लंबे होते थे, जैसे कोई मैंने भगवान की तरह मुझे बहुत बड़े दिखाई देते थे. एंड आई अवेयर दैट दे वर टू बी ट्रीटेड विद द मिक्सचर ऑफ फियर एंड रेस्पेक्ट, और मैं हमेशा अवेयर रहता था उनको देख कर ऐसा लगता था कि वे फियर के एंड रेस्पेक्ट, मतलब उनको देख के डर भी लगता था उनको रेस्पेक्ट भी करने का होता था, वो दोनों के मिक्सचर होते थे. बट देयर रोल इन माई लाइफ वॉज दिस टेंट वन, लेकिन मेरा जो मेरे जीवन में उनका रोल जो था वो दूरी बनाए हुए था. एंड आई थॉट लिटिल इफ एट ऑल अबाउट द वाइट मैन इज जनरल और रिलेशन बिटवीन माई ओन पीपल एंड दिस क्यूरियस एंड रिमोट फिगर, और मैं इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रहता था और उनसे ज़्यादा मुझे इनके हमेशा इनके बारे में जानने की उत्सुकता भी रहती थी लेकिन मैं दूरी बनाए रहता था. एंड नाउ चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू. जय हिंद.